ग्वालियर पुलिस की CEFR के जरिए 2 महीने के भीतर ही लगभग 86 लाख रुपए कीमत के 404 मोबाइल खोज लिए हैं। यह मोबाइल देश के 5 राज्यों में बरामद किए गए हैं। रक्षाबंधन से ठीक 1 दिन पहले पुलिस ने इन मोबाइलों को उनके मालिकों को बुलाकर उन्हें गिफ्ट दी। दरअसल साइबर सेल लगातार गुम हुए अथवा लूटे गए मोबाइलों की पड़ताल के लिए अलग विंग बनाकर काम कर रही है। SP धर्मवीर सिंह ने बताया कि इसमें उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट के पोर्टल सेंट्रल इक्विपमेंट फाइंडिंग रजिस्टर से काफ़ी मदद मिली है। उन्होंने मोबाइल फ़ोनों को एक्टिवेट होते ही उन्हें ट्रेस कर लिया। यह मोबाइल ग्वालियर, मुरैना, गुना, भिंड, शिवपुरी, दतिया, भोपाल, दिल्ली, सूरत, जयपुर, बरेली, आगरा आदि स्थानों से मिले हैं। जिन लोगों के मोबाइल चोरी अथवा गुम हुए थे उनमें गृहिणी, विद्यार्थी, कर्मचारी, सब्जी बेचने वाले व्यापारी, ड्राइवर, मजदूर, शिक्षक थे। बरामद मोबाइलों की कीमत लगभग 86 लाख बताई गई है, जिनकी संख्या 404 है। क्राइम ब्रांच ग्वालियर की टीम लगातार मिसिंग मोबाइल पर काम करती है। इनकी एक सेपरेट डेस्क है जो मिसिंग मोबाइल को न केवल रजिस्टर करते हैं, रिकवरी के लिए भी लगातार टीमें काम करती हैं। पिछले 2 महीने में ग्वालियर ज़िले में जितनी भी मोबाइल गुमने की रिपोर्ट्स आई थी उनको रजिस्टर किया गया। रजिस्टर करने के बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पोर्टल है CEIR सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, ये एक पोर्टल है। इस पोर्टल में कोई भी आम नागरिक जिसका मोबाइल गुम गया है वो पोर्टल में एक्सेस करके अपने मोबाइल को ब्लॉक करा सकता है। उस पोर्टल में ब्लॉक होने के बाद उसमें जब भी कोई नई सिम इंजर्ट होती है तो उसकी रिपोर्ट, उसकी जो पॉपअप है, उसकी जो रिपोर्ट है साइबर सेल में आती है। तो साइबर टीमें उसके आधार पे जो यूज़र है उसके पास तक जाती हैं। तो बहुत ही उपयोगी पोर्टल है। इस पोर्टल का उपयोग करके 2 महीने पहले हमारी क्राइम ब्रांच की साइबर टीम ने लगभग 550 मोबाइल बरामद किए थे। तो इस समय अभी 404 मोबाइल रिकवर किए गए जो इनके उपभोक्ताओं को, इनके जो ओनर हैं उनको वापस किए जा रहे हैं।